मैं उसका आलस्य हूँ। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बर्ड को कुछ खाने को देते हैं और फिर चिंता में बैठ जाते हैं कि यार ये चीज मेरे अब मुझे अपनी बर्ड को देना पड़ेगा, ये चीज मुझे नुकसान उसको नुकसान तो नहीं करेगी या फिर उसके लिए हानिकारक तो नहीं है, या फिर सोचते हैं कि क्या हो गया हमारी बर्ड के लिए एक आइडियल डाइट या फिर हेल्दी डाइट, तो हम ये सोचने में बैठ जाते हैं और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। सच आप मेरी ये वीडियो आपको सब कुछ बताएगी कि आपके लिए आपके बर्ड की कोई हेल्दी डाइट क्या है और कोई टॉक्सिक डाइट क्या है। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो बर्ड्स होती हैं उनकी आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन होती है। जैसे कि आप कोई बजी लें तो उसकी लाइफ स्पैन होगी 7 से 15 साल, आप कोई उससे बड़ी बर्ड लें जैसे कि रिंगनेक तो उसकी लाइफ स्पैन होगी 25 से 23 साल, आप उससे बड़ी बर्ड ले ली जैसे कि एलेक्जेंड्राइन तो उसकी लाइफ स्पैन होगी 40 से जितनी होती है, और उससे भी बड़ी बर्ड लें जैसे कि मकाओ वकाओ तो उनकी लाइफ स्पैन होगी 60। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी बर्ड को एक हेल्दी डाइट दें ताकि आपकी बर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ हेल्दी रहे और वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गिव योर पैरेट अ हेल्दी डाइट एंड हाउ टू बी अवेयर ऑफ द टॉक्सिक डाइट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ फ्रूट्स जो आप अपनी बर्ड्स को आराम से दे सकते हो, वो आपकी बर्ड को फायदे करेंगे नुकसान नहीं करेंगे। तो वो है एप्पल, एक चीज है आप अगर आप एप्पल दें तो कभी उसकी हर बार सीड्स हटा के दीजिएगा। एप्पल की सीड्स जो होती हैं वो बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होती हैं। और दोस्तों ये सारी चीजें हैं ये किसी भी बर्ड के लिए लागू होती है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है कि ये इस बर्ड को ठीक रहेगी लेकिन इस बर्ड को टॉक्सिक होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज एप्पल, उसकी सीड्स आपको नहीं देनी है, याद रखिएगा। बनाना, ब्लैकबेरी, चेरी, ड्राइड फ्रूट्स, गुआवा, लीची और मैंगो और मेलन, ऑरेंज, ड्राइड फ्रूट्स, डेट पाम्स, ड्राइड डेट पाम्स, अनार, पपाया, ये सारे फ्रूट जो होते हैं आपके बर्ड के लिए आपको बर्ड को नुकसान नहीं करेंगे और फायदा ही करेंगे। और एक और चीज आपको ध्यान रखना, आप अपनी कोई भी फल दे आपकी अपनी बर्ड को तो उसको हमेशा छील के या फिर बहुत अच्छे से धो के दीजिए, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टीसाइड, हर्बिसाइड्स लगे उनमें वो आपकी बर्ड को बहुत सीवियरली नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी वेजिटेबल्स जो आपकी बर्ड को नुकसान कर सकते हैं। तो वो है कुक्ड, मतलब कि आपकी बर्ड को फायदा करेंगे वेजिटेबल्स, वो है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वो है कुक्ड बीन्स, ब्रोकली, लेट्यूस और पत्ता गोभी, ये सब पोटैटो, ये कुक्ड हो कभी भी आप इसको ऐसे मत दीजिएगा। बीन्स जो है टॉक्सिंग होगी अगर कुक्ड नहीं है, तो बीन्स और पोटैटो कुक्ड होने चाहिए। और लेट्यूस, पीस, ककम्बर, कैरेट, ये सारी चीजें आपकी बर्ड को फायदे ही करेंगी। अब दोस्तों इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आप आलू प्याज जैसे हम बहुत साथ बोलते हैं तो आप ये मत सोचिएगा आलू प्याज हम दे सकते हैं अपनी बर्ड को, आलू दे सकते हैं वो भी उबला हुआ, लेकिन हम अपनी बर्ड को कभी भी अनियन मत दीजिएगा और फ्रूट्स में एवोकाडो मत दीजिएगा, ये आपकी बर्ड के लिए बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बर्ड के लिए वो कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो आपकी बर्ड के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी हाउसवर्ड्स की कुछ चीजें बताऊंगा जो आपकी बर्ड के लिए टॉक्सिक हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं, पहले अनियन और फिर जो सारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें हाई सॉल्ट, शुगर या फिर फैट कंटेंट होता है वो आपकी बर्ड के लिए नुकसानदायक होंगे। फिर एल्कोहल, एवोकाडो, किडनी बीन्स, ड्राइड बीन्स, चॉकलेट, बैगन, मिल्क आप दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग दूध रोटी अपने तोते को देते हैं, हाँ आप दे सकते हैं, लेकिन मिल्क और क्रीम, मतलब कि मिल्क और मलाई, घी, ये सब जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज में होने चाहिए, कभी भी आपको एक साथ उनको ज्यादा मत देना। और ड्राइड बीन्स, किडनी बीन्स, मतलब कि किडनी बीन्स मतलब राजमा और चॉकलेट, चॉकलेट आपकी बर्ड को बहुत नुकसान करता है अगर आपकी बर्ड थोड़ी सी भी चाटे, अगर लाइट चॉकलेट है तो ठीक है, लेकिन डार्क चॉकलेट मतलब कि ऐसी चॉकलेट्स आपकी बर्ड को बहुत तेज नुकसान कर सकती है। तो अगर आपने अपनी बर्ड को कभी भी चॉकलेट खाते हुए देख लिया तो आप उसको तुरंत वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाए। तीसरी चीज होती है बैगन, मिल्क, मूंगफली और टमाटर, हाँ टमाटर थोड़ा सा दे दें तो ठीक भी रहेगा लेकिन ज्यादा नहीं दे सकते। और एक और चीज दोस्तों, टमाटर का कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट हम लोग नहीं देंगे, और जो सारे हाउस होल्ड प्लांट्स होते हैं उनका भी कोई भी
लीफ या कोई भी पार्ट इनको नहीं देना है। और सॉल्ट, सॉल्ट वो बहुत होती है। और अगर हम लोग फ्रूट्स की बात करें तो आपको कभी भी फ्रूट को ट्रीट की तरह यूज नहीं करना, फ्रूट का उनको ज्यादा नहीं देना है क्योंकि फ्रूट्स में हाई शुगर कंटेंट होता है जो जिसके वजह से आपकी बर्ड्स होती हैं अपने बाल शेड कर सकती हैं। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो घर में या फिर कहीं और यूज होती है और आपकी बर्ड को टॉक्सिक है। एक मिनट, आपकी बर्ड को मशरूम्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं तो उसका भी ध्यान रखिए। अब मैं की बताऊं आपको, बाथरूम क्लीनर, ब्लीच, डिटर्जेंट्स, डिओड्रेंट्स और सेंटेड कैंडल्स जो होते हैं जो दिवाली में आपने देखे होंगे, आपके कहते हैं सल्की पर सेल्समैन बताते हैं कि ये इससे खुशबू आती है कैंडल, तो उसमें कुछ केमिकल्स यूज करते होते हैं जो आपकी बर्ड को बहुत हानिकारक, आपकी बर्ड के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बोला था बाथरूम क्लीनर और ब्लीच। दोस्तों आप मुझे पागल समझ होंगे, सोचे होंगे हम अपनी बर्ड को बाथरूम क्लीनर और ब्लीच क्यों खिलाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं आप खिलाएंगे नहीं, लेकिन कभी कभी हमने वीडियो ऐसी देखी होगी हाउ टू बेथ अ बर्ड, उसमें लिखा होगा यू कैन स्प्रे द बर्ड, स्प्रे द बर्ड विद एनी स्प्रे बॉटल और स्प्रे नोजल। तो हमें अगर स्प्रे नोजल ना मिले तो हम जैसे कि कॉलिन देख लीजिए या फिर कोई भी स्प्रे करने वाली बॉटल हो जैसे कि कॉलिन, उसका हमें कभी भी यूज नहीं करना है भले ही आप बहुत अच्छे से धोएं, क्योंकि आपकी बर्ड ये इससे तुरंत मर सकती है क्योंकि इसको इन्फेक्शन हो सकता है। और दोस्तों एक और चीज, अगर थोड़ा सा तो ठीक है, अगर आप अपनी बर्ड को आपके घर में अगर कोई नॉन स्टिक पैन है तो उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं ताकि खाना उस पर चिपके ना, और उस पर अगर आप खाना पकाए तो आपकी बर्ड को थोड़ा वो नुकसान कर सकते हैं, तो उनका भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा कुछ तेज पका रहे हैं तो अपनी बर्ड को थोड़ा दूर रख दें, दो कमरे दूर रख दें। दोस्तों मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आप मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसमें कोई कमी लगी या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी जरूर डाल दीजिए। और दोस्तों मैंने बहुत बार देखा कि व्यूज तो मेरे सब्सक्रिप्शन से ज्यादा ही आ रहे हैं, तो दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। मैं हूँ रुद्राक्ष और आप देखें पैरेट मीडिया।